क्या है? पीछे की पैंट है, पहन देते हैं जालियों वाली पैंट। अबे स्टील की पैंट कौन पहनता है बेटा, जब वहाँ भाले लगेंगे ना सब कुछ पहनना पड़ेगा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये वाला व्लॉग भी बेसिकली ट्रैवल व्लॉग होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू उदयपुर। मैं 5 से 6 लोगों के साथ जा रहा हूँ, उनको इंट्रोड्यूस करूँगा अभी थोड़े टाइम में। एंड आपको दिख रहा होगा कि मैं एक बस में हूँ। सो बेसिकली हमने स्लीपर बस लिया है क्योंकि अभी हम शाम को बेसिकली 7 o'clock निकले हैं। आते आते बस को बहुत टाइम लग गया, 8 बज गए। बट हमारा एस्टिमेटेड टाइम है सुबह 7 या 8 बजे पहुँचना। सो ऑलमोस्ट 12 to 13 आवर्स की जर्नी है। सो ये एक सही चीज़ है कि एटलीस्ट हम लेट सकते हैं, स्पेस में लेट के जा सकते हैं। मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ स्पेस कैसा है, क्या है स्लीपर बस का। गाइज ये है पूरी स्पेस। तो आप ध्यान से अगर नोटिस करो, अगर मैं लेटूंगा तो मेरे पास पूरी स्पेस है पैर रखने की। एंड यहाँ से व्यू भी है, पूरी विंडो है, अच्छी खासी है, बहुत ही बड़ी विंडो है और तो बाहर भी सही है व्यू देखने के लिए। एंड मैं आपको अपोजिट साइड का एंड ये बाकी व्यू है। सो आई गेस बहुत सही है स्पेस। यहाँ पे चार्जिंग का पोर्ट भी है एंड ये पूरा स्लाइडर है। तो यहाँ से भी पूरा बस का व्यू दिखाता हूँ आपको। गाइज अगर आपको स्लाइडर हटा के दिखाऊँ मैं, लाइक आपको इस बस में ये कैबिन्स हैं, ऊपर भी हैं स्लीपर्स और नीचे भी स्लीपर्स है। पूरी स्लीपर बस ही है। ये मेरी स्लीपर है, मैंने आपको दिखाई होगी। आई मीन प्रीटी मच स्पेशियस है। एंड ये ऊपर प्रांजल है। अरे यार ये फैंसी मत बात। पापा जी हेलो गाइस, अब मैं आपको नए लोगों से मिलवाता हूँ। हटो, आप नीचे कैमरा लेके आए थोड़ा सा, कुछ हो तो नहीं का देखिए। ये भी आया ट्रिप पे। आपने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी जो मैंने, जिसमें अनाउंस किया कि मैं डेविड गॉगिंस का पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ थोड़ी इयर्स में। ये वाली बुक भी मैंने आपको दिखाई होगी, नेवर फिनिश्ड। ये बुक ज़रूर पढ़ना। ये पूरी बुक डेविड गॉगिंस के माइंडसेट के ऊपर है एंड उनके पूरे कैसा माइंड फंक्शन करता है उसके ऊपर है। ये बुक एक बार ज़रूर पढ़ना, मैं सजेस्ट करूँगा। इससे काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। मैंने एक चीज़ देखी, काफ़ी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे भी अपना फ़ोन यूज़ करते हैं। आजकल के टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो अटेंशन स्पैम है ख़त्म हो चुका है, जितने भी हमारे स्मार्टफोन्स हैं उसकी वजह से। या तो इधर वो फ़ोन पे रीड करेंगे या कुछ ना कुछ फ़ोन पे, मतलब पूरा टाइम स्क्रॉल करते रहेंगे, मतलब क्लूलेसली माइंडलेसली स्क्रॉल करते रहेंगे। अभी जैसे मैं बस में आया हूँ तो मैंने एक अपने इस बस में, इस ट्रिप में एक रूल बनाया है, जब भी ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो ठीक है अभी तो सब सो रहे हैं वरना उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा, बट अभी सिंस मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं ये बुक पढ़ूँगा नेवर फिनिश, जो मैंने आपको अभी बताई है। अब इस टाइम पे मैं अपना माइंड और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, मतलब हाँ अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है बट मेरे को माइंडलेसली स्क्रॉल नहीं करना है। वहाँ पर हमारा माइंड वीक होता है, हमें पता नहीं चलता हम कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक सजेशन है, आपकी मर्ज़ी आपको अप्लाई करना है नहीं, बट मैं आपको पूरा सजेस्ट करूँगा कि अपने फ्री टाइम पर ना हमेशा फ़ोन मत स्क्रॉल करा करो माइंडलेसली, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करा करो हर सिचुएशन में। मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल था, मैं भी धीरे 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 ग्रो करता हूँ वीक बाय वीक। कुछ छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उसको वीक बाय वीक अचीव करो एंड उसको धीरे धीरे जब हैबिट बनाओगे वो चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगी, आपका माइंड खुद ही अडेप्ट हो जाएगा और करता रहेगा उस चीज़ को। तो एक सजेशन है, मैं भी अभी इस बुक को पढ़ूंगा आगे तो आपको आगे दिखाता हूँ। गाइज अभी अभी ना हमारी बस रुकी थी डीजल भरवाने के लिए। ओ भाई 12 ईयर्स से कर रहा है ये ट्रेन। अबे बोल नहीं रहा कुछ, तो डोला दिखाने दे। नहीं नहीं, तो गाइज बात ये है कि अभी बस रुकी है बस डीजल के लिए। और गाइज चीज़ बता, तेरे जैसे कितना टाइम लगेगा फिजिक को आने में? भाई 6 महीने बन जाएगी, तुम मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, मैं बता दूँ कौन सा इंजेक्शन कहाँ लगेगा। इंजेक्शन साले? नहीं नहीं, जिसने इंजेक्शन नहीं लगाया झूठ बोल रहा है, नेचुरली 12 ईयर से करता आ रहा है। ये देखो ऐसे लोग होते हैं कुछ जो मिठाइयाँ खाते रहते हैं और फिर बोलते हैं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चिकन खाते हैं सिर्फ, डाइट फॉलो करते हैं। तो मैं वही चिकन खा रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ अपनी। अब एक ने काम कर रहे हैं, किसी का जूता पड़ा है उसको ना दूर से फेंक रहे हैं। न्यारी का पति कोई आ गया। जो दूसरा जूता है ना जिसका ऐसे स्पेशियस लगेगा, एक जूते
लोगों को ऐसे ही फोटो खींचने के लिए डरा रहा है बता हाथ भैया फोटो खींच रहा है। हाँ तो अभी अभी हम रुके गए यहाँ पे, कोई जगह है पता नहीं खाने की, देखते हैं क्या है। सारे सो गए थे, अभी 9 बज रहे हैं सुबह के, थोड़ा सा डिलेड है हमारी बस, बट हम उदयपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अभी मैं सो के उठा तो अभी आपने देखा होगा व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बस अभी हम जाके होटल में चेक इन करेंगे, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। हमने बेसिकली एक एयरबीएनबी कर लिया क्योंकि हमने होटल में ज़्यादा रहना नहीं है, बाहर ही घूमना है, तो ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है होटल पर वेस्ट करने का। तो ये रूम है, प्रांजल के साथ यहाँ पे स्टे करूँगा। हमने 3-4 रूम्स लिए एंड बालकनी व्यू के साथ है, तो सही है ये एयरबीएनबी, तो बहुत बढ़िया है। गाइस फर्स्ट थिंग मैंने आके यहाँ पे ढूंढी है ब्लैक कॉफ़ी, एंड अभी ब्रेकफास्ट में मैंने वही अपने जो जेनरिक ओट्स खाता हूँ वो अभी बनाए हैं, एंड थोड़ा सा मैंने पपाया लिया फॉर फाइबर्स। तो अभी तक अगर आप लोगों को पता चल ही चुका होगा, मैं प्रेफर यही करता हूँ सुबह सुबह उठ के कि जो ओट्स की मील होती है जिसमें मेरा मेनली, मैं ओट्स खाता हूँ जिसमें मेनली मेरा प्रोटीन हो जाए, कार्ब्स हो जाए एंड थोड़े फाइबर्स भी हो जाए। ब्लैक कॉफ़ी इसलिए पीता हूँ क्योंकि वो सेटाइटी की फीलिंग देता है, ज़्यादा टाइम तक पेट को फुलर लगता है। तो सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ब्लैक कॉफ़ी पिया करो पूरे दिन में। गाइस अभी 3 घंटे पहले हम आए थे, अभी थोड़ा मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, एंड हमने बेसिकली एक स्कूटी अरेंज कर लिया, सब एक एक स्कूटी चलाएंगे क्योंकि आई डोंट थिंक सो सेंस बनता है कैब्स वगैरह ले, कॉस्टली होगा, तो उससे बेटर है हमने स्कूटी रेंट कर लिया। दोनों स्कूटीज़ हैं, ये वाली और ये वाली, और एक और स्कूटी आ रही है। गाइस स्कूटी कर ली हमने, ये देखो ब्रांड है गाइस, आगे देख के चला। गाइस सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है यहाँ पे स्कूटी करना, ज़्यादा ही कन्वीनियंट है, कैब लेते तो बहुत कॉस्टली होता है। ये देखो आ गए सही है, बहुत ज़्यादा स्कूटी में चल रहा है। अबे एक चीज़ बता प्रांजल, 2 घंटे के चक्कर में पूरा उदयपुर नहीं घूम लिया हमने, ओल्ड उदयपुर बहुत टाइम वेस्ट हो गया भाई। बट अभी ये है कि कैब में जितने लगने थे उससे बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी, सही है, सॉर्टेड है भाई। अभी सिटी पैलेस कहाँ पे है ये? उदयपुर में। ये देखो गाइज ये भी आए हुए हैं पीछे स्कूटी में, इतना लेट करवा दिया इन्होंने, पूरा दिन वेस्ट करा दिया भाई, कोई फोन ना खींच के ले जाए, तुम बीच में रहना। ये देखो गाइज फोटो के लिए इतना ज्यादा टाइम वेस्ट, तू ही करवा रहा है, पीछे देख रहा है फिर मुड़ के स्माइल करके, सालो इतना टाइम वेस्ट करवा दिया, पहुंच जाओ भाई जो देखना है। ये पूरा का पूरा ओल्ड उदयपुर है, ये कौन सी लेक है? पिचोली लेक, पिचोला लेक, यहाँ जाएंगे ना ये, आई गेस रात को जाएंगे। ये पूरा एंड है, ये पूरा एंड है यहाँ पे चोला लेक का, बट सही है बहुत, यहाँ पानी बहुत गंदा है, मतलब फोटोज में लगता है अच्छा है बट पानी बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि एंड है बेटा ये, स्टार्टिंग नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है यहाँ का, जाएंगे यहाँ पे एक बार, नाम नहीं पता, जगदीश हरे करके कोई है, बहुत ज़्यादा सही है। यहाँ का जितना भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं बना हुआ, बहुत सही लग रहा है, मतलब पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा मेरे को मज़ा आता है हिस्ट्री जानने में। ये 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 भी कोई टेंपल है पुराना कोई, जाएंगे यहाँ पे भी, ओल्डेस्ट टेंपल है 100 ईयर्स ओल्ड, बहुत सही है भाई, यहाँ की हिस्ट्री जाननी है मेरे को एक बार ना, किसी से पूछते हैं आराम से। ये है सिटी पैलेस का पूरा स्टार्टिंग, मतलब यहाँ डोर है, यहाँ से अंदर जाएंगे, बस बेसिकली हम पार्क कर रहे हैं स्कूटी एंड उसके बाद उसको अंदर लेकर जाएंगे साथ में। ये एंट्रेंस सिटी पैलेस वो पीछे है किसके, उनके पास में, हाँ वो सबसे आखिरी में जा रहे हैं ना, तीसरे ऊपर जाके, गाइस ये एंट्रेंस है। अच्छा सॉरी, यहाँ से ऊपर जाते हैं, एंट्रेंस है सिटी पैलेस की भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सुंदर है, वो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है ना, पता चल रहा है कि आए हो तुम राजस्थान या जयपुर, बहुत ज़्यादा प्रीटी। यहाँ स्कूटी पार्क कर रहे हैं गाइस, दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर सिटी पैलेस, यहाँ पे अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है, है क्या यहाँ पे एग्जैक्टली अंदर? ये यार बहुत पुराना फोर्ट है, मतलब सिटी पैलेस का
वो तो मेरे को भी पता है, ये क्या एक्सप्लेनेशन दी है तूने? मतलब एग्जैक्टली क्या बताऊं, इसमें नॉर्मल नहीं है, फोर्ट दुबई के लिए है। हां ये कोई मर्दाना महल करके है अंदर, अपन ने जाके दिखाते हैं, काफी ज्यादा टूरिस्ट आया हुआ है। कर रहे थे कि टूरिस्ट प्लेसेस में ये है कि इतना ज़्यादा रश होता है, तुम अप्रिशिएट ही नहीं कर सकते, रुक के देख ही नहीं सकते चीज़ों को, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी में लोग कर रहे हैं कि देख ही नहीं सकते हिस्ट्री को अच्छे से। वो तो है, इतना ज़्यादा रश है भाई। किसी दिन अगर आराम से भी आए तो उस टाइम पर भी इतने ज़्यादा लोग देख ही नहीं सकते, बहुत रश है। जैसे वो बता रहे थे कि पूरा का पूरा टेम्पल और ये सारा सिटी पैलेस है, ये 500 ईयर्स पुराना है। ये ऊपर जाने की स्टेयर्स है टेम्पल, ये इसकी सिटी पैलेस की, ये 500 ईयर्स से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है। ये कौन है? हाँ ये थे फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस म्यूजियम, महाराणा प्रताप जी हैं, पूरी हिस्ट्री उनके यहाँ पे है। मेरे को अभी पूरा अच्छे से पता नहीं है, बट किसी से पूछूंगा मैं अच्छे से। उनके कुछ मूवमेंट्स के रिएक्शंस एक्सप्लेन किए हुए हैं, उनके जो प्रॉपर कुछ उन्होंने की होगी प्रॉपर रेवोल्यूशनरी चीज़, हर एक उसकी एक छोटी से छोटी फोटो है कनेक्टेड उससे। कोई जो फोटो दिख रही होगी इसमें जो बीच में महाराणा प्रताप जी हैं, बेसिकली यहाँ पे बैठ के वो जस्टिस देते थे, वो अपने डिसीजंस बताते थे कि क्या सही है क्या गलत है उनके हिसाब से। इतनी भी छोटी क्या है भाई, इसका शरीर बच जाए ऊपर, बहुत छोटी हाइट थी। अभी देखना गाइस, अब देखना सर कितना नीचे करना पड़ेगा। ये देखो, ये यही अनोइंग चीज़ है बस, एक इतनी बार कर लिया है कि आदत पड़ गई है।